नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से। माननीय सांसद विजय दुबे जी का एक ग्राम सभा लगता है मठिया और यहीं से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं छठ महापर्व का। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे भीड़ लगी हुई है घाटों में, पूरा जो है चारों तरफ जमावड़ा लगा हुआ है और कैसे भीड़ लगी हुई है लोग आग देने के लिए। ये 3 बजे से ही पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि सब लोग जो है 3 बजे से ही पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें छठ महापर्व का। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कैसे लोग हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं छठ महापर्व, छठ महापर्व पर जो है अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। और आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे जो है आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को लोग तैयार हो चुके हैं और जल्दी कुछ मिनटों में ही सूर्य भगवान जो है अभी जल्दी ही निकलने वाले हैं और उनको अर्घ दिया जाएगा। ये हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाएं जो हैं ये सूर्य भगवान को अर्घ देंगी और जो अपनी मनोकामनाएं जो होंगी उसको बोलेंगी सूर्य भगवान से। और आप देख रहे हैं छठ महापर्व सबसे बड़ी कवरेज सुपर फास्ट न्यूज की लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से खबरें दिखाई जा रही हैं सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कैसे जो लोग यहाँ पर, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे ज्यादा हजारों की संख्या में लोग जो है खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे जो है आदमी हजारों की संख्या में, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे जो है हजारों की संख्या में लोग छठ महापर्व को मनाने के लिए खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं घाटों पर ये माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद विजय दुबे जी का ये घर है और यहाँ पर आप ग्राम सभा पड़ता है मठिया बुजुर्ग जो कुशीनगर में लोकप्रिय सांसद हैं। और ये उनका घाट देख रहे हैं माननीय सांसद जी का कितना अच्छा जबरदस्त बनवाया है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से पूरा जो है आप देख रहे हैं छठ महोत्सव जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है उसका ये तस्वीर आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। कितनी भीड़ लगी हुई है, लगभग यहाँ पे कुछ नहीं तो 5,000 की भीड़ है। ये बहुत बड़ा ग्राम सभा भी है सांसद जी का और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे पूरा दूर दूर तक भीड़ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे पूरी दूर दूर तक भीड़ लगी हुई है और माताएं बहनें जो है अर्घ देने के लिए कैसे जो है पूरा वो जमावड़ा है यहाँ पर लोगों का। देख रहे हैं आप सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें कुशीनगर से आपको दिखा रहे हैं। ये माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी का ये ग्राम सभा है और यहाँ पर छठ पर्व पर जो और कुछ ही क्षणों में जो है सूर्य भगवान अभी निकलने वाले हैं और महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं अर्घ देने के लिए। आप देख रहे हैं उधर भी पूरा घाट पर जमावड़ा लगा हुआ है, चारों तरफ घाट पूरा एकदम ओएल। आप देख रहे हैं जल्द ही सूर्य भगवान जो है जल्दी कुछ क्षणों में सूर्य भगवान जो है निकलने वाले हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है सूर्य भगवान के लगे हुए हैं। छठ महापर्व पर इतनी बड़ा पूरी भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं कैसे लोग जो है पूरा सब देखिए पूरा दूर दूर तक जो है जगह नहीं है किसी को भी थोड़ा भी जाने का वो नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं नहा धोकर के। 3 बजे से ही लोग यहाँ पहुँचे हैं और छठ महापर्व पर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पूरा जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं पूरा देख रहे हैं वहाँ भी पूरा दूर दूर तक पूरा जो है यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और पूरा जगह नहीं है पोखरे पर।
देख रहे हैं लाइव तस्वीरों, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कैसे लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। अब जल्दी जो है कुछ क्षणों में सूर्य भगवान जो है जल्दी निकलने वाले हैं। उनका इंतजार है लोगों को सूर्य भगवान का। कुछ यहाँ पे लालिमा भी हो चुकी है और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे लोग जो है जुड़ना चाहते हैं। इतना ठंडा पानी भी है लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग एकदम जो है देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे जो है पूरा जो है छठ महापर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत देश के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और हम यही कहेंगे कि हमारे तरफ से मोदी जी को भी बहुत सारा आशीर्वाद। कितने बजे आप लोग जग के घाट पे? दो बजे जग गए हैं। और हम लोग कितने मिनट में सूर्य भगवान? 6:05 में। 6:05 पे दूध लिए हैं, गंगा जल के साथ दूध है गौ माता का। क्या होगा इसका? इसको अर्घ दिया जाएगा। अर्घ दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे छठ माँ पर? छठ माँ पर की सबकी मनोकामना के पूर्ण करे माता जी। अभय दुबे, क्या कहना चाहेंगे? भगवान सूर्य का पूजा है, उगते हुए सूर्य का, इस तरह से सभी लोगों का जीवन उज्जवल हो, यही कहना चाहता हूं मैं। अंशु दुबे, क्या कहना चाहेंगी आप? छठ पूजा कर रहे हैं आज, अर्घ का टाइम हम लोग आ रहे हैं। सूर्य देश को बहुत सारा आशीर्वाद। छठ महापर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपने इंडिया में पूजा वूजा बहुत अच्छे से होता है, यही कहना चाहेंगे कि देश के बहुत सारा आशीर्वाद हो, हमारे इंडिया सबसे आगे रहे। आप देख रहे हैं कि छठ पर्व पर लोग कह रहे हैं कि ये पूरा देश में जो है, ये पूरा दुनिया में ये मनाया जा रहा है। और जल्द ही जो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि जल्द ही जो है सूर्य भगवान अभी निकलने वाले हैं। 6:05 पर इनका समय है और इनका समय हो चुका है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से इनका समय हो चुका है सूर्य भगवान का अर्घ देने का। और जल्द ही कुछ क्षणों में सूर्य भगवान निकल, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? बस पूजा का टाइम है, मंत्र बोल रहे हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। क्या कहना चाहोगे छठ पर्व पर? कितने बजे आए? आए हैं 5:06 पे। और ये त्योहार है, ये हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और हम इसे खूब धूमधाम से मनाते हैं। थैंक्स। अब देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से जल्दी कुछ क्षणों में सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। और बहुत ज्यादा पूरी भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख रहे हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है, लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको सुपरफास्ट न्यूज के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, ये सूर्य भगवान के इंतजार कर रही है अर्घ देने के लिए। जनता जो है 3 बजे से यहाँ पर पूरा जो है भीड़ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से पूरे सजावट के साथ यहाँ दिखा रहे हैं आपको। देख लीजिए कि आप देख रहे हैं छठ महापर्व पर लोग अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को लगे हुए हैं। और देख रहे हैं कि महिलाएं कैसे पूजा कर रही हैं, पूरा जो है आप देख रहे हैं छठ महापर्व पर कैसे लोग जो है अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को निकले, सूर्य भगवान का लोग इंतजार कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। माताएं बहनें जो लोग भी हैं
वो देख रहे हैं जगह जगह से, पूरी लाइव तस्वीरें हैं आप दिखा रहे हैं, पूरा लाइव तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पलों में जो है सूर्य भगवान निकलने वाले हैं और जल्दी उनका 6:05 पे समय है और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से पूरा जो है पूरी वहां तक दूर दूर तक पूरा भीड़ लगा हुआ है और देख रहे हैं घाटों पर कितना जमावड़ा लगा हुआ है घाट पर। अब लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं माननीय सांसद जी के गाँव का। देख रहे हैं छठ महापर्व पर कितने खुशी के माहौल के साथ लोग छठ महापर्व मना रहे हैं। हजारों लोग यहाँ पर अर्घ देने के लिए हजारों लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। पूरा साज बज्जा के साथ गीत गाने भी हो रहे हैं और संगीत भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से और आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए सूर्य भगवान जो है निकल चुके हैं, सूर्य भगवान निकल चुके हैं। आपको सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि सूर्य भगवान निकल चुके हैं और अर्घ देने के लिए महिलाएं भी तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं ये कुशीनगर से आपको सीन दिखा रहे हैं, माननीय सांसद भी दुबे जी के गाँव ग्राम सभा की तस्वीर है, ये मठिया भुजू ग्राम पड़ता है और आप देख रहे हैं कि सूर्य भगवान जो है लाइव तस्वीरों में निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा ये लोग अर्घ देने के लिए निकल चुके हैं सूर्य भगवान और लोग अर्घ देना भी चालू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग लोग अर्घ दे रहे हैं। अब लोग अर्घ देना चालू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे अर्घ दिया जा रहा है और देख रहे हैं कि कैसे लाइव तस्वीरों में कैसे जो है अर्घ दिया जा रहा है। अब सूर्य भगवान आप देख रहे हैं कि कैसे जो है सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है लाइव तस्वीरों में सामने आपके। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें, देखिए कैसे अर्घ दिया जा रहा है। पूरे घाटों पे अब सब लोग अपना अर्घ, जो कार्यक्रम था अब यहीं पर जो है ये छठ महापर्व का कार्यक्रम, सूर्य भगवान को देखने के बाद उनको अर्घ दिया जाता है और सूर्य भगवान उग चुके हैं और इनको लोग अर्घ अब दे रहे हैं। अब लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरा अब उनको अर्घ दिया जा रहा है, अर्घ दिया जा रहा है। देख रहे हैं सभी महिलाएं उनको अब सूर्य भगवान को ये अर्घ दे रही हैं और आपको ये लालिमा दिखा रहे हैं, कोई सूर्य भगवान को दिखा रहे हैं, सूर्य भगवान को अब दिखा रहे हैं कैसे जो है सब लोग लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं पूरा जो है कैसे अर्घ दिया जा रहा है। लोग अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान निकल चुके हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सूर्य भगवान जो है कैसे अब कैसे सूर्य देवता को लोग प्रणाम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से सूर्य भगवान निकल चुके हैं और सब लोग अर्घ दे रहे हैं हजारों की संख्या में। देख आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और सूर्य भगवान का ये कुशीनगर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जी जी आप अर्घ दे लिए? नहीं हम दिला दिए, अर्घ दिला दिए, अर्घ दे भी लिए। क्या कहना चाहेंगे? ये छठ माता का पर्व है और उगते हुए सूरज को इस समय प्रणाम किया जाता है, शाम को ढलते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, सब लोग उगते हुए सूर्य का प्रणाम करते हैं, लेकिन ये ऐसा पर्व है कि जहाँ ढलते हुए भी सूर्य का प्रणाम किया जाता है और उगते हुए भी सूर्य का प्रणाम किया जाता है।
इसलिए हमेशा आदमी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आदमी का महत्व कम नहीं होता है, चाहे वो ढल रहा हो या उठ रहा हो, हर आदमी का अपना अपना समय होता है। बस धन्यवाद। अब लाइव तस्वीर देख रहे सब लोग जो है कैसे, अब हो चुका है लगभग पूरा कार्यक्रम हो चुका है, पूरा कार्यक्रम हो चुका है, देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सब अब कार्यक्रम लगभग हो चुका है और सब लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे चुके हैं। आप लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सुपरफास्ट न्यूज के माध्यम से, ये अर्घ वाला कार्यक्रम हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सुपरफास्ट और सुपरफास्ट न्यूज के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज और आपको सुपरफास्ट न्यूज के माध्यम से ऐसी तस्वीरें आपको जगह जगह से दिखाते रहेंगे। नमस्कार।